बढ़ते हैं यहां से अब अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है सूरजमुखी की। तो भारत में पिछले कुछ वक्त में सूरजमुखी की जो खेती है वो घटती नजर आई है। भारत में सूरजमुखी की खेती कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह इस पर कीड़े मकौड़े का बढ़ता हमला है। भारत में पिछले 3 दशकों में सूरजमुखी की खेती का रकबा 27 लाख हेक्टेयर से घटकर 2.26 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से दुनिया भर में सूरजमुखी के तेल का संकट भी बढ़ा है। भारत अपने खाद्य तेल की जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है और पाम ऑयल की तरह ही सूरजमुखी का तेल भी आयात किया जाता है। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कुल खाद्य तेल के आयात में सूरजमुखी के तेल का हिस्सा करीब करीब 16% था और भारत हर महीने लगभग 2 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात भी करता था। इसमें से 70% सूरजमुखी तेल यूक्रेन से और 20% रूस से आयात किया जाता था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से पिछले 2-3 महीने से सूरजमुखी तेल के आयात पर काफी असर पड़ा है और इस वजह से भी देश में खाद्य तेलों के भाव भी बढ़े हैं। अगर भारत में सूरजमुखी की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों की बात की जाए तो 6 प्रमुख राज्यों में कर्नाटक सबसे आगे था। कर्नाटक में सूरजमुखी की खेती करीब 8 लाख हेक्टेयर जगह में की जाती थी, जिससे करीब करीब 3.048 लाख टन सूरजमुखी का उत्पादन होता था। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु में सनफ्लावर की खेती की जाती थी। खाद्य तेल का आयात कम करने के लिए केंद्र सरकार भी काफी समय से प्रयासरत है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद देश में सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के उपाय भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने भारत में सूरजमुखी की फसल का रकबा बढ़ाने की दिशा में बड़ी कोशिश शुरू की है। पिछले अप्रैल महीने में कृषि मंत्रालय ने अलग अलग विभाग की 3 बैठकें की हैं, जिसमें सूरजमुखी की फसल का उपज बढ़ाने पर विचार किया गया। दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत में सूरजमुखी के उपज में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। पहले प्रति हेक्टेयर 505 किलोग्राम सूरजमुखी बीज का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 1011 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो यानी कि जो सूरजमुखी की खेती भारत में घटी है उस पर अब सरकार ध्यान दे रही है। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से सरकार इस पर काफी ज्यादा काम कर रही है।